दोस्तों साउथ अफ्रीका ने पर्थ में खेले गए मुकाबले में भारत को हरा दिया है, लेकिन सच तो ये है कि भारत ये मुकाबला हारा नहीं है, बल्कि इस हार के जरिए उसने अपने लिए T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर होने का रास्ता तैयार कर लिया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जितना सिर्फ भारतीय टीम के लिए जरूरी नहीं था, बल्कि ऐसा पाक के हित में भी होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नौबत ये है कि भारत पर अब टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा भी मंडराने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कल तक तो भारत के साथ सब ठीक था, फिर अचानक साउथ अफ्रीका से मिली सिर्फ एक मैच की हार के बाद ऐसा क्या हुआ? तो दोस्तों इसीलिए तो क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहते हैं। यहाँ बाजी पलटने को एक मैच का नतीजा भी काफी होता है, और वैसा ही कुछ टीम इंडिया के साथ भी होता दिख सकता है। हालांकि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि भारत क्वालिफाई नहीं कर सकता है, लेकिन साथ ही उसके सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने के आसार भी बने रहेंगे। दोस्तों पहले जरा ये जान लीजिए कि भारतीय टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कैसे कर सकती है। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि टीम इंडिया अब अपने बाकी बचे दोनों मुकाबले जीत ले, यानी एक तो वो जो 2 नवंबर को बांग्लादेश के साथ खेलना है, और दूसरा वो जो 6 नवंबर को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है। इन दोनों मैचों को जीतने के बाद टीम इंडिया के 8 अंक हो जाएंगे और भारत बड़ी ही आसानी से सेमीफाइनल में जा सकता है। लेकिन अगर भारतीय बांग्लादेश से जीत गए और जिम्बाब्वे से हार गई, तो फिर जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका दोनों के 7 और उससे अधिक अंक हासिल करने का मौका रहेगा। लेकिन अगर भारत जिम्बाब्वे से जीतता है और बांग्लादेश से हारता है, तो फिर सीधा सीधा बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके अलावा इस बात का भी भारत को ख्याल रखना होगा कि मौसम मेहरबान रहे। दरअसल 2 नवंबर को एडिलेड में 70% बारिश की संभावना है। ऐसे में अगर भारत और बांग्लादेश का मैच धुला तो नुकसान भारतीय टीम को उठाना पड़ सकता है। जहाँ तक पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की बात है, तो वह भारत और साउथ अफ्रीका के जीत के बाद मुश्किल में है। पाकिस्तान अब अपने सभी मैच जीतता है तो भी उसके 6 ही अंक होंगे और साउथ अफ्रीका के 7 अंक होंगे। अगर वह नीदरलैंड को हराता है तो वही भारत अपने बाकी बचे 2 मैच में से 1 हारता है, तो फिर मामला नेट रन रेट पर आकर रुकेगा। उदाहरण के लिए पाकिस्तान अपने 2 मैच जीत गया और भारत बांग्लादेश से हार गया, जो कि जिम्बाब्वे को हरा चुका है, तो उस सूरत में तीनों ही एशियाई देशों के 6-6 अंक हो जाएंगे और यह तीनों एक पोजीशन के लिए लड़ रहे होंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहा जाए तो अब यहाँ से टीम इंडिया को एक भी मैच हारना नहीं है, वरना हम सभी फैंस की सांसें अटक जाएंगी। ऐसे ही क्रिकेटिंग न्यूज जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।